सकता है और किस तरह की फिलहाल स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए स्थिति अभी तो बिल्कुल शांत है, हालांकि कल देर रात तक काफी जमकर के हंगामा हुआ। पूरा मामला भोजपुर जिले के गढ़हनी थाना क्षेत्र के गढ़हनी पंचायत के जो मुखिया हैं तस्लीम आरिफ गुड्डू, उनको गया के आमद थाना क्षेत्र में गंजा बरामदगी के मामले में संज्ञान के आधार पर उनको भोजपुर पुलिस ने हिरासत में लिया था। हालांकि इस मसले पर हमारी थोड़ी देर पहले अभी भोजपुर के जो पुलिस अधीक्षक हैं सुशील कुमार, उनसे बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि मामला गया से जुड़ा हुआ था और भोजपुर पुलिस के उनके सहयोग से उसको गिरफ्तार किया गया था और उसको गया पुलिस को सुपुर्द किया जाना था। लेकिन इसी को लेकर के जैसे ही इसकी गिरफ्तारी की बात उसके समर्थकों को लगी, उसके समर्थक उग्र हो गए और सबसे पहले उन लोगों ने जमकर के गढ़हनी थाना पर हंगामा किया, गढ़हनी थाने पर जमकर के पथराव किया। उसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। हालांकि उसके बाद वो लोग जो उनके समर्थक थे उन लोगों ने आरा जो सासारा मुख्य मार्ग उसको गढ़हनी बाजार के समीप जाम कर दिया। उन लोगों की मांग की बेवजह मुखिया को फंसाया जा रहा है, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनको पुलिस छोड़े यानी उनको रिहा करने की मांग कर रहे थे। लेकिन जब पुलिस वाले जो वरीय पदाधिकारी हैं तो उनको लेकर के गढ़हनी से रवाना हो गए, उसके बाद उनके जो समर्थक थे वो काफी उग्र हो गए और उन लोगों ने जमकर के हंगामा शुरू कर दिया। तो मुखिया की गिरफ्तारी के विरोध में बवाल हुआ है, फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, पूरी तरह से शांत हो चुकी है स्थिति। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चंदन आपका। लातेहार जिले के बारवाजी प्रखंड के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कार्यरत अकाउंटेंट मुकेश कुमार लापता है, जिसके बाद परिजनों ने उनके लापता होने की सूचना पुलिस को दी। नगर थाना के चंदवा के बरवा टोली के मुकेश कुमार रहने वाले हैं। बताया जा रहा है मुकेश कुमार गुरुवार की सुबह से ही लापता है। आखिरी बार मुकेश कुमार को अपने रिश्तेदार के यहाँ पेट्रोल पंप पर देखा गया था। पुलिस पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है और परिजनों ने पूरे मामले पर FIR दर्ज करा दिया है। तो लातेहार जिले के बरवाड़ी प्रखंड में के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कार्यरत अकाउंटेंट मुकेश कुमार लापता है, जिसके बाद परिजनों ने उनके लापता होने की सूचना पुलिस को दी। नगर थाना के चंदवा के बरवा टोली के मुकेश रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि मुकेश कुमार गुरुवार से ही लापता है। आखिरी बार मुकेश कुमार को अपने रिश्तेदार के पेट्रोल पंप पर देखा गया था। पुलिस पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है। कैमूर में आक्रोशित ग्रामीणों ने रामपुर के सीओ पर हमला किया, जिसमें सीओ समेत 4 लोग घायल हो गए। घटना बिलाव थाना के हुडरी गांव का है। बताया जा रहा है सीओ भूमि विवाद में हुडरी गांव पहुंचे थे। मामले में पुलिस ने 4 महिला को गिरफ्तार किया है और 13 नामजद सहित कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुट गई है। तो हमले में सीओ समेत 4 लोग घायल हुए। हालांकि जो भी लोग इसमें शामिल थे उन पर कार्रवाई की गई है, FIR दर्ज किया गया है। ग्रामीणों ने आपको बता दें रामपुर सीओ पर हमला किया। तो कैमूर से इस वक्त खबर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखला रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने जमकर सीओ की पिटाई की। इस पिटाई मामले में 4 महिला पर भी FIR दर्ज हुआ है, वहीं 13 नामजद लोगों पर भी FIR दर्ज हुआ है। सिवान में अपराधियों ने कपड़ा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। व्यवसायी का नाम शमसुद्दीन बताया जा रहा है। घटना नगर थाना क्षेत्र के मखदूम जराया लहरा टोला की है। पुलिस ने मौके से कल जिंदा कारतूस बरामद किया। अपराधियों ने की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। तो अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें सिवान में अपराधियों ने कपड़ा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। व्यवसायी का नाम शमसुद्दीन बताया जा रहा है। घटना नगर थाना क्षेत्र के मखदूम सराय लहरा टोला की है। पुलिस ने मौके से एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पता नहीं चल पाया है और अभी तक हमारे चचा हैं, उनका नाम शमसुद्दीन अहमद लटन है, देखे कि भाई गोली लग चुकी है। और तकरीबन ये हमारे हिसाब से ये कांड 11:30 बजे करीब की है। मधुबनी में नदी में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। घटना बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के ठीकापट्टी गांव की है, जहां 3.5 साल का बच्चा पुल पर खेल रहा था। इसी दौरान वह पुल से नीचे नदी में गिर गया। जब तक आसपास के लोग उसकी जान बचाते तब तक उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। तो आपको बता दें बेनीपट्टी थाने के ठीकापट्टी गांव की ये घटना है, जहां पर
ये मामला सामने आया है। आपको बता दें कि नदी में डूबने से बच्चे की मौत हो गई, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि खेलने के दौरान ये हादसा हुआ है। नियोजित शिक्षकों ने आंदोलन का ऐलान किया और आज से प्रखंड कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन देने की बात कही। समान काम समान वेतन को लेकर आंदोलन किया। पहले चरण में प्रखंड स्तरों पर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं 4 लाख नियोजित शिक्षक धरना करेंगे। तो समान काम समान वेतन को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों के द्वारा आज आंदोलन कर प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें 4 लाख नियोजित शिक्षक धरना करेंगे।